हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट की एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है थ्योरी जेड, जो कि दी गई है उर्विक एंड आउच के द्वारा। ये थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इससे पहले वीडियो में हमने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ी थी, जो कि हर्ट्ज़बर्ग के द्वारा दी गई थी, जिसमें हर्ट्ज़बर्ग का कहना था कि थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग हर्ट्ज़बर्ग का कहना था कि इंडिविजुअल जो होता है बहुत ही बेसिकली सारे नेगेटिव ट्रेट्स बताए थे कि वो मोटिवेटेड नहीं होता है, वो काम नहीं करना चाहता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती है, उसको डिसीजन मेकिंग नहीं करना होता, उसके सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है एक्सेट्रा, वो काम से जीत रहा है, उसको कोअर्स करना पड़ता है, इन्फ्लुएंस करना पड़ता है और उससे फीडबैक लेनी पड़ती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उन्होंने थ्योरी वाई के जरिए बताया था कि इंडिविजुअल बहुत ही पॉजिटिव होता है, वो बहुत ही मोटिवेटेड होता है, उसको मोटिवेटेड होता है, उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उसको अपने आप ही वो एकदम मोटिवेटेड फील करता है कि उसको ये टास्क परफॉर्म करना है, उसकी गोल सेटिंग होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वो सोसाइटी के प्रति अपने आप को जिम्मेदार मानता है। ऑल द पॉजिटिव एंड गुडी गुडी थिंग्स आर इन थ्योरी वाई एंड ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर इन थ्योरी एक्स। सो ये थ्योरी जो है थ्योरी जेड है, जो कि उर्विक एंड आउच के द्वारा दी गई है। थ्योरी जेड, जेड से कोई मीनिंग कोई मतलब नहीं है, बेसिकली इज जस्ट नेम ऑफ द थ्योरी। और इस थ्योरी के जरिए आउची जो है विलियम आउची, उन्होंने बेसिकली जापानीज मैनेजमेंट एंड अमेरिकन मैनेजमेंट दोनों की कंपैरिजन करी है, दोनों को स्टडी किया है और अपनी ये थ्योरी जेड दी है कि हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज, और ये 1981 में पब्लिश हुई थी। एज पर दिस जापानीज मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर को एंड एम्प्लॉय लॉयल्टी को टू द फर्म बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ। बेसिकली उन्होंने जापानीज जो मैनेजमेंट था उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को इस थ्योरी जेड के जरिए बताया है। उन्होंने बताया कि हाउ वी कैन यूज़ द जापानीज मैनेजमेंट इन अमेरिकन मैनेजमेंट टू मेक द मैनेजमेंट प्रोसेस मोर वैल्यूएबल। सो उन्होंने बताया था कि बेसिकली एक जो मैनेजमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट लॉयल्टी टू द फर्म होनी चाहिए, जो कि कैसे डेवलप की जाएगी, डेवलप करी जाएगी वो एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइफ टाइम की, लाइफ के लिए अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली एम्प्लॉय की लॉयल्टी बढ़ेगी और कॉर्पोरेट कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल एंड सेटिस्फेक्शन। उनका कहना था जब एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी होगी तो उससे बेसिकली हाई प्रोडक्टिविटी आएगी और हाई मोरल और सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। बेसिकली कहना चाहते हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगी तो उनका मन करेगा काम करने का, वो हाई प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस देंगे, हाई मोरल होगा उनका और सेटिस्फेक्शन फॉर्म उनकी बढ़ेंगे। और उनका कहना था कि वर्कर्स हैव सेंस ऑफ ऑर्डर डिसिप्लिन और मोरल ऑब्लिगेशन टू वर्क हार्ड and a sense of cohesion with their fellow workers. Workers will be participating in the decision of the company to a great degree. Avoid making workers specialists into just a few simple tasks. Instead, aim to increase their knowledge of the company and its processes through job rotations and constant training. उनका कहना था कि वर्कर्स को जो है किसी फ्यू सिंपल टास्क में हमें उनको स्पेशलाइज नहीं कराना चाहिए, इंस्टेंट हमें जॉब रोटेशन को फॉलो करना चाहिए और हमें उन्हें कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग देनी चाहिए और जिसके ज़रिए जो उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी और उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्लो पेसेस ऑफ प्रमोशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद द फर्म एज रिक्वायर्ड। चाहे प्रमोशंस जो स्लो पेस में हो लेकिन कमिटमेंट जो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और ये बेसिकली थ्योरी जो उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हुई थी बेस्ड थी एडवर्ड डेनिंग्स की 14 पॉइंट्स पे। ये जो थ्योरी जेड है ये एडवर्ड डेनिंग्स की 14 पॉइंट पे बेस्ड है। सो थ्योरी जेड डेवलप की गई है विलियम आउची के द्वारा एंड ये मैक्ग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई का कोई ऑफशूट नहीं है। आउची की थ्योरी ब्लेंड करती है मॉडर्न वेस्टर्न मैनेजमेंट को अप्रोचेस विद जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक्स को। बेसिकली आउची की थ्योरी जो है ब्लेंड करती है वेस्टर्न मैनेजमेंट को जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक के साथ। इरोनिकली मेनी सो कॉल्ड जापानीज मैनेजमेंट टेक्निक्स सच एज केजन आर बेस्ड ऑन अमेरिकन एडवर्ड डेमिंग्स 14 पॉइंट मैनेजमेंट। ये बेसिकली एडवर्ड डेमिंग की 14 पॉइंट्स और केजन टेक्निक के बारे में बताया गया, जिसके बारे में आप आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थ्योरी जेड फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी टू द कंपनी बाय प्रोवाइडिंग अ जॉब फॉर लाइफ विद स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय बोथ ऑन एंड ऑफ द जॉब।
थ्योरी जेड जो होता है बेसिकली फोकस करती है कि हमें एम्प्लॉय को लाइफ टाइम का जॉब एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, जिससे उनका मोरल बढ़ेगा, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, तो हाई प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट हाई प्रोडक्टिविटी होगी। दिस मीन्स उनको स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, उनका हाई मोरल रखना चाहिए, सेटिस्फेक्शन हाई होना चाहिए, ताकि वो कैसे होगा ये बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन लेटरल जॉब मूवमेंट्स एंड मल्टी लेवल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। उन्होंने बताया कि हम उनका एम्प्लॉयमेंट को स्टेबल कैसे कर सकते हैं और उनको कैसे उनका हाई मोरल और हाई सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। ये उन्होंने बताया था कि हम लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं कोलैबोरेशन की, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन उनका बढ़ा सकते हैं, उनको जॉब में प्रमोशन दे सकते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में उनको अपने आइडियाज़ रखने के लिए कह सकते हैं एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि इस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की लास्ट थ्योरी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।